हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो एक्चुअली आज जो है मेरे पास ये लुविया का टॉप रैक एंड सैडल स्टे, एंड इसका प्राइस मुझको आया था ऑलमोस्ट 5300 के आसपास। कुछ समर सेल वगैरह चल रहा था अप्रैल महीने का फर्स्ट में, हालांकि अभी भी चल रहा है मई महीने पे। सो दिस इज़ द थिंग। पैकिंग जो है इतना खास नहीं है, बट मैंने यूट्यूब में देखा था जो लोग पहले ऑर्डर किए थे उसके पास जो है लुविया का ब्रांडिंग करके एक अच्छा सा बॉक्स आया था, लेकिन मेरे पास ये नहीं है। पैकिंग उतना खास नहीं है, ये मेरा क्लैप रेल पहले से मतलब एक्चुअली निकल के रखा था इनेस का, और इधर जो ये चीज़ है जो है टॉप रैप। हालांकि बॉक्स मतलब उतना ठीक ठाक नहीं है, लेकिन ये जो चीज़ है ये सब अच्छे से पैकिंग करके दिया है, लुविया का ब्रांडिंग है इधर। ये टॉप रैक का जो है होल्डर है एक्चुअली दोनों साइड का, और इधर जो चीज़ ये जो है सैडल स्टे का, और इधर सैडल स्टे का होल्डर, और ये तीन चीज़ है, और जो है इधर पूरा जो नट बोल्ट का सेट है। चलो देखता हूँ कितना दूर मैं इंस्टॉल कर पाता, उसके बाद मेरी तो लोकल गैरेज पे जाएंगे। सो या चलो लेट सी क्या होता है। हालांकि क्वालिटी जो है अच्छा ही लग रहा है अभी के लिए, खुल के कुछ खुल के रखा है, कल ही खुल लिया था। सो चलो अभी इंस्टॉल करते हैं, पहले टॉप रैक या सैडल से देखता हूँ कौन सा इंस्टॉल होने वाला है। सो या देखो सैडल से जो है प्राइमरी में फिट कर रहा हूँ, इधर आई थिंक ये रबर बफर दिया है क्योंकि ये बॉडी पे अगर मतलब टच ना हो इसके लिए। देखो मतलब अभी तो टाइट नहीं हुआ, टाइट होगा तो ऐसे होगा। दिस इज़ द थिंग। क्वालिटी वाइज ठीक ठाक है, लेकिन इधर एक थोड़ा सा मार्क है लीजर से, अभी लग रहा है कुछ दिन बाद लास्टिंग आ जाएगा। सो इसको मुझको थोड़ा पिन करना पड़ेगा। सो क्या सो अभी सैडल स्टे का ये भी मैं फिट कर दिया मतलब ऊपर से, और ये कनेक्टिंग रॉड एंड टॉप रैक का एक प्लेट लगाया और एक प्लेट लगाना बाकी है। लेकिन अगर आप एक साथ लगा रहे हो तो एक साथ ये फिट करना, नहीं तो मतलब लगाने में बहुत दिक्कत आया। अभी इसका लगाएंगे इस साइड का, क्योंकि इधर बफर है, बफर नीचे देके उसके बाद इंस्टॉल करना है। सो इट्स अ बिट हेवी टास्क। सो चलो अभी ये प्लेट लगा के उसके बाद टॉप रैक लगाएंगे, उसके बाद यहाँ से कनेक्ट करेंगे। लेट्स उसके बाद क्या होता है। टॉप रैक इंस्टॉलेशन प्रोसेस ऑल्सो डन। अभी जो है टॉप रैक से सैडल स्टे का कनेक्ट करना है बाकी है, और क्वालिटी वॉज मतलब क्वालिटी इज लाइक डिसेंट, दिस इज द थिंग। इधर से कनेक्ट किया हो और ये जो है इधर से कनेक्ट होगा बस, और इसके बाद यहाँ से जो है एक फुट तक पे जाएगा। हालांकि ये लग रहा है ये मैं इंस्टॉल कर नहीं पाऊँगा, तो इसके लिए मैं को लोकल गैरेज जाना पड़ेगा। बाकी ये जो है ये अभी कनेक्ट कर दूँगा। गाइस हियर द फाइनल लुक। अभी इधर से जो है इधर का स्टे है वो भी लगाना बाकी है, बाकी तो सब हो गया। इधर पहले मैंने ये बोल्ट लगाया था, लेकिन इसका जो है मतलब ये स्क्रू लगाया था एलन स्क्रू, लेकिन इसका जो बोल्ट ख़त्म नहीं हो गया। सो ये मोटा वाला बोल्ट लगाया इधर, और इधर भी मोटा वाला बोल्ट है, और आई गेस इधर भी एक मोटा वाला बोल्ट इधर आएगा। ये सिर्फ बाकी है ये वाला स्टेप, नहीं तो पूरा हो गया। मतलब एक दो तीन स्टे से ये कनेक्ट रहेगा, और इधर तो मेन जो है स्टे। सो दिस इज़ द थिंग। ऑन टॉप रैक जो है मेरा एकदम मैंने एंड पे लगाया, नहीं तो देखो इधर भी जो बोल्ट है अगर मैं इधर से लगाया होता तो ये इतना थोड़ा सा और भी ये बढ़ जाता। सो अभी तो पीछे से देखो भाई साहब, लुक एकदम मतलब बदल गया गाड़ी का। अभी जो है मुझको टायर बदलना है कुछ दिन बाद, और इधर लुविया का ब्रांडिंग मतलब चीज़ जो है एकदम लाजवाब है। बट इधर देखो थोड़ा सा कुछ आई थिंक कुछ दिन बाद इधर लास्टिंग का कुछ इशू आएगा। इस साइड पे ठीक है, उस साइड पे ही है, और बाकी जो है ठीक ठाक है क्वालिटी एंड प्राइस के हिसाब से। सो गाइज अभी जो है ठीक ठाक है, एक मतलब ऑलमोस्ट
5 किलोमीटर चलाया तो ठीक ठाक है सब कुछ। इधर से जो है स्टे अभी लगाऊंगा, उसके बाद जो मतलब फुल एंड फाइनल एक मतलब वीडियो तो मतलब कर लिया, ये स्टे लगाने के बाद वीडियो अपलोड कर दूंगा, आज नहीं तो कल मैं लगा लूंगा बाहर से। सो गाइज इट्स अनदर डे। एक्चुअली आज मैं जो मतलब ये फाइनल वाला जो स्टेप है ये कर रहा हूँ, इस साइड का जो फुटपैक का ये नाट है ये खुल लिया इजीली, बट इस साइड का अभी तक खुल नहीं पा रहा हूँ। सो दिस इज़ द थिंग। एंड यहाँ से ऐसे देखो, इधर से इधर ये नीचे से ऐसे कनेक्ट होगा, तो अभी टाइट करूँगा। सो दिस इज़ द थिंग। ये खुलने में मतलब 5 मिनट भी नहीं लगा, और वो मतलब ऑलमोस्ट 10-15 मिनट से ट्राई कर रहा हूँ, खुल में नहीं पा रहा हूँ। और अभी ये जो बोल्ट है बोल्ट भी ख़त्म हो गया, तो क्या करना है देखता हूँ। चलो सो इस साइड का जो है एकदम फुल एंड फाइनल टाइट भी कर दिया मैंने, सो इसका हो गया। अभी इस साइड का बाकी है, इस साइड का तो फुटपैक अभी भी मैं खुल नहीं पा रहा हूँ, तो लेट्स सी। बट थिंग इसकी स्क्रू है, लेकिन जो बोल्ट होता है एक्चुअली बोल्ट ख़त्म हो गया, इसमें दो है, होपफुली ये जो दोनों बोल्ट हैं यहाँ पर मैच हो जाएगा, मतलब मैच हो जाए नहीं तो दिक्कत आ जाएगा। सो दिस इज़ द थिंग। अभी मैं इस साइड का ट्राई करता हूँ क्या होता है, चलो लेट्स सी। अभी ये चीज़ मैंने मतलब बाहर से निकल के लाया हूँ, अभी ये चीज़ लगाऊँगा ऐसे करके, थोड़ा सा ये मुझको पहले लूज़ करना पड़ेगा, फिर एडजस्ट करके उसके बाद टाइट कर दूँगा। सो अभी ये जो है बोल्ट को निकलना है और ये वाला बोल्ट को इंसर्ट करना है एक बार। एंड मेरे पास ये वॉशर है, सो एकदम अभी जो है फाइनल फिट करने के बाद दिखाता हूँ कैसे क्या होता है। तो गाइज अभी जो है मतलब सब नाट सब जो चीज़ है एकदम परफेक्ट फिट हो रहा था, लेकिन ये वाला चीज़ परफेक्ट मतलब लग ही नहीं रहा था, ऑलमोस्ट इतना सा प्ले था, गैप था। सो इसके लिए मैंने फिर ये वाला चीज़ मतलब ये स्क्रू और उस साइड का जो स्क्रू है वो चीज़ लूज़ किया, उसके बाद मतलब जैसे तैसे करके ये लगाया। अभी टाइट नहीं किया हो तो अभी टाइट करूँगा ये सब जो बोल्ट है ये सब बोल्ट। तो अगर आप ये लगा रहे हो तो मैं ये रिकमेंड करूँगा सब पहले लगा के उसके बाद लास्ट में टाइट करना, क्योंकि मतलब मैंने जो किया पहले टाइट किया इसके लिए ये लग नहीं रहा था। सो दिस इज़ द थिंग। अभी बाहर गान चल रहा है तो चलो अभी के लिए एकदम फाइनली फिट करके दिखाता हूँ। और ये मेरा डोडो है, डोडो डोडो बिल्ली के पीछे भाग रहा है। सो गाइज हियर इज़ द फाइनल लुक, देख लो पूरा कंप्लीट हो गया। अभी जो है टॉप बॉक्स लगाना, और जब टूर में जाएंगे तो सैडल बैग या टिल बैग लगाएंगे, और टॉप बॉक्स भी मैंने अभी लिया नहीं, बाद में लूँगा, अभी के तक के लिए यही है। और यही जो सेटअप है यही रखूँगा मैं, पहले सोचा था टॉप बॉक्स हटा देंगे, बट फिर सोचा नहीं टॉप बॉक्स लिया है तो मतलब हर टाइम इंस्टॉल ही रहेगा मेरी गाड़ी पे। एंड हियर इज़ द थिंग, देख लो ये जो है ये थोड़ा सा मतलब सीधा है, और ये जो ये थोड़ा सा टिल्टेड है, यही जो देखिए थोड़ा सा हल्का सा बेंड हो गया, क्योंकि ये जो है थोड़ा सा टाइट करके मतलब चाप के लगाना पड़ा। दिस इज द थिंग। एंड हियर इज़ द सारा पुलिस स्टेशन। एंड एज ऑफ नाउ यही है, और इंस्टॉल करने में लगभग मुझको और मतलब अगर मैं टोटल करूँ तो नियरली 3 घंटे का आसपास लगा टाइम। सो या चलो एक्सप्लोर राइडर साइनिंग ऑफ। अगर इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन होगा तो डू कमेंट डाउन बिलो। सो